दिनचयो रमसा किनी दाकिनी पेतो पिपलयं प्रयाति विविधा संपत्तिरासाद्यते लोके च प्रियता मुखे मधुरता कार्ये समुसाहता तम सन्नोमि सहस्तकत्वदनिशं राजेन्द्र सूरिं प्रभु। भगवान महावीर का उत्तरार्ध समय यानी के अंतिम समय में जब उन्होंने देखा कि मेरा अंत समय नजदीक आ गया, उस समय उन्होंने पावापुरी में अपनी देशना प्रारंभ करी। उस समय किसी को भी पता नहीं था कि ये भगवान की अंतिम देशना है। 12 परसदा लगी हुई थी और भगवान अपनी अंतिम देशना में उत्तरार्ध सूत्र का विवेचन कर रहे हैं। उत्तरार्ध सूत्र में वो अपने जैसे अनंत जीवों को ऊपर करुणा बरसा कर कृपा कर वो अपनी हित और अहित, सत्य और असत्य, ऐसी कई हित शिक्षाएं दे रहे हैं। जिस तरह एक बाप अपने अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों को जैसे हित शिक्षा देता है, ऐसे अनंत जीवों के उपकारी अपने अहित और हित की चिंता करने वाले परमात्मा महावीर स्वामी उत्तरार्ध सूत्र में जो देशना दे रहे उसमें प्रथम अध्ययन है विनय का। विनय धर्म का मूल है। कोई भी क्रिया बिना विनय प्रारंभ नहीं होती है, चाहे वो व्यवहारिक में हो चाहे आध्यात्मिक में हो। कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम विनय को बताया गया, और विनयहीन और विनयवान उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके कोई लक्षण नहीं होते, उनका आचरण, उनकी भाषा, वही हमें वो दिखा देती है कि विनयहीन कौन है, विनयवान कौन है। विनयवान हमेशा नम्र होता है, उसकी भाषा में मिठास होती है, वो जहाँ भी जाता है वह सबको अपना बना लेता है, और विनयहीन जहाँ भी जाता है वहाँ सिर क्लेश कंकास और विवाद खड़ा करता है। भगवान कहते हैं कि विनयहीन और विनयवान को जो भगवान ने उदाहरण दिए उसमें एक उदाहरण दिया है उन्होंने घोड़े का, कि एक घोड़ा होता है अड़ियल टट्टू और एक घोड़ा होता है जातवान। अड़ियल टट्टू को तुम कितने भी चाबुक मारो, कितने भी इशारे करो, पर वो अड़ियल टट्टू खड़ा नहीं होता है, अर्थात नहीं होता है, वो बैठे ही रहता है। और जातवान घोड़ा मालिक की सिर्फ भाषा समझता है, इशारा समझता है, और इशारा होते ही वो खड़ा हो जाता है और अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो विनयवान है वो जातवान घोड़े जैसा है, वो सिर्फ निमित्त मिलते ही अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता है। और विनयहीन व्यक्ति चाहे तुम उसे कितना भी सुनाओ, कितना भी करो, कितना भी कहो, वो उसका मस नहीं होता है। विनय कहीं नहीं, विनय हमारे आत्मा का गुण है, वो अंदर ही है, उसे सिर्फ बाहर लाने की जरूरत है। और बाहर नहीं आने का कारण हमारा अभिमान, अभिमान का जो आवरण है, अभिमान का जो पर्दा बीच में लगा हुआ है, अभिमान की जो दीवार लगी हुई है उसे तोड़ना पड़ेगा, अभिमान को पिघालना पड़ेगा। अभिमान जब टूटेगा तब विनय धर्म अंदर से प्रकट होता है। विनय को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि तेरे आत्मा का ही गुण विनय है, उसे सिर्फ बाहर लाओ। जैसे इंद्रभूति गौतम का पूर्व नाम, उनकी पूर्व अवस्था में अभिमान से एकदम चकचूर थे, वो अभिमान से ओतप्रोत थे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिखता था उनके अलावा। वो सिर्फ यही समझ रहे थे कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। और जैसे ही भगवान महावीर का समय सुनने लगा और जैसे ही भगवान महावीर की शरण में गए और जाते ही दर्शन करते ही उनका अभिमान मिट गया और अंदर से विनय धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। विनय तो अपने अंदर ही है, और विनयवान व्यक्ति जो धर्म में दृढ़ होता है, धर्म में उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, और जहां तक सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक श्रद्धा नहीं आती वहां तक अपनी सारी क्रियाएं व्यर्थ है, चाहे कितनी भी क्रियाएं करो। सम्यक श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा हमारी है लेकिन किसमें श्रद्धा है? जो हमारा काम करता है उसमें श्रद्धा है, जो हमारे सांसारिक वांछित की पूर्णता करता है उनमें हमारी श्रद्धा है, जो आत्मिक गुण की संतुष्टि जहाँ है, जहाँ आत्मिक गुण का धर्म है, जहाँ आत्मिक अनुष्ठान है, वहाँ हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है।
और विनयवान धर्म में दृढ़ होता है, मजबूत होता है। एक मध्य प्रदेश इंदौर का एक नाम है सर हुकमी चंद जी, गांधी जी के नाम का बहुत जाना माना पहचाना गया नाम सर हुकमी चंद जी, जो जैन थे और उस समय कोई भी राजनेता आता उनके वहीं ठहरता, रात भी वहीं रुकता। गांधी जी के बाद जब नेहरू वड़ा प्रधान बने और नेहरू जब मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे और इंदौर जब गए तो दिन भर प्रोग्राम के पश्चात जब रात को उनके घर गए और मीटिंग के बाद जब उनको सोने का समय हुआ तब उनका सचिव उनके रसोई के पास जाता है और कहता है कि वड़ा प्रधान के लिए दूध गर्म कर लो। वो रात को रोज गर्म दूध लेते हैं। रसोई ने कहा कि मैं दूध गर्म कर लेता हूँ लेकिन एक बार आप सेठ की अनुमति लेके आइए। सचिव को कुछ समझ नहीं पड़ी और वो सेठ के बेटे के पास जाता है और सेठ के बेटे को जब बात समझ में आई तब वो सीधा वड़ाप्रधान नेहरू के पास पहुंचता है। नेहरू को जाके निवेदन करता है कि सेठ बाहर गाड़ी भी तैयार है, ड्राइवर भी तैयार है, आपको जहाँ चाहे वहाँ ले जाएगा और वापस यहाँ ला के छोड़ेगा, लेकिन हमारे घर में रात को पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बोलो वड़ा प्रधान देश के, वो जब दूध मांग रहे तब वो जैन क्या कहता है, वो श्रावक क्या कहता है कि हमारे घर में रात को सूर्यास्त के बाद रसोई नहीं बनती है, सिर्फ पानी मिलेगा, पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो नेहरू जब अपने शयन कक्ष में सोने के लिए जाते हैं और वो कहके जाते हैं कि आप अपनी अपनी धर्म श्रद्धा में अड़िग हो तो मैंने भी आज निर्णय किया है कि मैं भी आज रात को कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और रात को वो आराम से सोए और सुबह उठ के चले गए। बोलो ऐसी श्रद्धा है अपने को अपने धर्म में? पहले जैनों के लोग उदाहरण देते थे, महाजन के उदाहरण देते कि महाजन के घर जब भी कोई प्रसंग होता था तब रात को खाना नहीं बनता था। लोगों को भी ये पता था कि भाई जैनों के घर प्रोग्राम है तो अपने को सूर्यास्त के पहले जाना पड़ेगा, सूर्यास्त के पहले जाएंगे तभी खाना मिलेगा क्योंकि जैन रात को नहीं खाते। जैन के ऊपर जो दो मात्रा लगती है वो वही है या कंदमूल का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। हम भगवान की आज्ञा मानते हैं कि खाली भगवान को मानते हैं? किसको मानते हैं? सिर्फ भगवान को मानते हैं। हम जैन कहलाते हैं लेकिन है बनिए, जैन वो है, सच्चा श्रावक वो है जो भगवान की आज्ञा मानता है और भगवान के रास्ते पर चलता है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और जैसी क्रिया करता है तो क्रिया के पीछे उसको ज्ञान का भी ज्ञात होता है कि मैं ये क्रिया किस लिए कर रहा हूं, इसमें मुझे दोष तो नहीं लग रहा है कि हम अंधाधुंध क्रियाएं करते ही जा रहे हैं। कभी चिंतन नहीं किया कि भाई मंदिर किस लिए जाना, पूजा किस लिए करना, पूजा के पीछे अपना हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, बस सिर्फ पूजा करना। हमारा नियम है पूजा करके घर आके धंधे पे लग जाना, लेकिन पूजा से कौन सा गुण प्रकट होता है, पूजा किस लिए करना, पूजा से हमें क्या मिलता है, उसका कभी चिंतन नहीं किया। हम भगवान के पास जाते जरूर है लेकिन मांगते क्या है, क्या मांगते हैं? सिर्फ सांसारिक वस्तु है। भगवान को कभी ये नहीं कहा कि हे परमात्मा तूने जो छोड़ा ऐसी छोड़ने की क्षमता मुझे देना, कभी कहा आपने? कभी नहीं कहते। अर्थात हमारे में अभी विनय धर्म प्रकट हुआ नहीं है। जिस समय विनय धर्म प्रकट होगा उसी समय हमको सन्मार्ग की प्राप्ति होगी। वो सन्मार्ग पर वही चल सकता है जिसमें विनय होता है। ऐसे कितने पूर्वाचार्य हो गए जो अपने पूर्वावस्था में जो अभिमान और अहम से ओतप्रोत थे लेकिन जैसे उन्हें निमित्त की प्राप्त हुई और निमित्त मिलते ही उन्होंने वो अभिमान और हमको छोड़ दिया। हमें कितने निमित्त मिलते हैं लेकिन कभी हम चिंतन नहीं करते, कभी सोचते नहीं है। अरे हम सिर्फ खाली पूर्व महापुरुषों का चिंतन करें तो भी हमें निमित्त मिलते हैं, तो भी हमें ज्ञान हो सकता है कि उनके जीवन में सभी अनुकूलता थी, सभी सुविधाएं संपन्न थी। सुविधा होने के बाद भी उन्होंने ये मार्ग अपनाया, यानी कि ये मार्ग हमारे लिए हित शिक्षा है। भगवान भी यही कहते हैं कि विनय जहां तक हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा वहां तक क्रोध मान माया रूपी कसायों का हमारे जीवन में साम्राज्य रहेगा। वही साम्राज्य को जो खत्म करना है, समाप्त करना है, तो विनय की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बिना विनय हम भगवान के रास्ते पर नहीं चल सकते। कितने ही भवों में हम चले गए
लेकिन आज भी हमारी स्थिति यही नहीं है, और ये भव भी चला जाएगा। हमारी उम्र कितनी है? ज्यादा जा 80 साल 100 साल। 100 साल में 40-50 साल तो निकल गए। 50 साल में हमने आत्मा के लिए क्या किया, वो कभी चिंतन किया आपने? और विनयवान हमेशा यही चिंतन करता है कि मेरा क्या, मेरे साथ क्या आएगा, आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। जब हमको स्वभाव के बारे में पता चले, स्वभाव यानी कि आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव ऊंचा उठना है और कसायों का स्वभाव नीचे गिराना है। आत्मा जैसे ऊंचे उठती है तो कर्मों के आवरण उसको नीचे ले आते हैं। इसलिए स्वभाव अगर हमारा सुधर गया, स्वभाव सुधरते ही भवों की दशा सुधरती है, और भवों की दशा सुधरेगी तो हमारे भाव परिणाम भी सुधरेंगे। जहां तक भावों में परिणाम में निर्मलता नहीं आएगी, वहां तक हमारे स्वभाव में भी सुधार नहीं होगा। जिस वक्त स्वभाव में सुधार होगा, उसी वक्त भावों में भी सुधार होगा, और भावों में सुधार होगा तो हमारे भवों में भी सुधार होगा। और सच्चा व्यापारी तो वो है जो हमारा फायदा देखता है, अपना फायदा देखता है। और अपना फायदा इसमें कि हमने हमारा बैलेंस कितना किया। मनुष्य जन्म में आने के बाद हमारा पुण्य पाप के बैलेंस का चिंतन कभी नहीं किया कि हमने पुण्य कितना किया, पाप कितना किया। रात को सोते समय दिन भर का चिंतन करो कि हमने आज ऐसे कौन से काम किए जो नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे नीति के काम किए जो हमको करने चाहिए। चाहे धंधा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम, सब में नीति अनीति होती है। लेकिन चिंतन करो कि नीति से काम किया या अनीति से काम किया। याद रखो कि अनीति से कमाया हुआ धन, चाहे आज नहीं तो कल, आपको तकलीफ में लाके खड़ा कर देगा। आज भले उसका फायदा दिखता हो, लेकिन भविष्य में वही पैसे हमारे लिए अशांति का कारण बनेगा। राजू लिंगम का नाम सुना है किसी ने? सत्यम कंप्यूटर वाले, कितनी बड़ी पार्टी थी वो, 8,000 करोड़ की पार्टी थी वो। कहां से कमाए थे उसने? सिर्फ अनीति करके पैसे कमाए 8,000 करोड़, किसे बोलते हैं। लेकिन आज उसका परिणाम क्या है? ऐसे है वो जहां उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, सिर्फ जेल का खाना खाता है। इतने पैसे क्या काम आए बताओ? वो भगवान ये कहते हैं कि नीति से कमाओ, नीति से खाओ, तो हमारे धर्म में, हमारे घर में संस्कार का प्रादुर्भाव होगा, और नीति का कमाया हुआ धन हमारे घर में शांति स्थापित करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन सिर्फ अशांति फैलाता है, और वही संस्कार हम आने वाली पीढ़ी को देंगे। आने वाली पीढ़ी सिर्फ हमारा आचरण देखती है, नहीं के उपदेश देखती है। तुम बच्चों को कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, वो सिर्फ हमारा जीवन देखेंगे। आप जो करते हो बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए जीवन ऐसा बनाओ कि आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरणा ले, हमारा अनुसरण करे। अभी वो मातृपितृ वंदावली में हार्दिक भाई आए थे, उन्होंने कहा था ना कि वृद्धाश्रम में भेजने वाले माता पिता को शादी के पहले कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजता हो। शादी के बाद ही सब वृद्धाश्रम में जाते हैं। उसका कारण हमारे संस्कार। हम जैसा करते हैं बच्चे ऐसा ही करते हैं। जब वो बहू सास और ससुर को जब वृद्धाश्रम में भेजने की बात करती है, तब वृद्धाश्रम वाले कहते हैं कि अभी हमारे पास इतनी जगह नहीं कि आपको रख सके, नाम वेटिंग में लिखाते और कहते हैं कि जब भी जगह खाली होगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो उनका बेटा वहां रुक जाता है, तो माँ पूछती कि बेटा वहां पे क्यों रुक गया? तो बेटा कहता है कि मुझे भी तो यहां आना पड़ेगा और आपका नाम लिखाना पड़ेगा, तो मैं अभी से नाम लिखा दूं आपका तो मुझे वेटिंग में आपकी तरह खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तब बहू की आंख खुलती है कि नहीं, सही में हम जैसा करते हैं बच्चे हमारे ऐसा ही करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हम हमारे धर्म, हमारे जीवन में विनय अपनाए, संस्कारों को अपनाए, आने वाली पीढ़ी हमारे रास्ते पर चले, ऐसा उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करें, तभी हमारे जीवन विनय धर्म आएगा, और विनय धर्म आएगा तभी हमारे जीवन की शुरुआत होगी। इस तरह